सोचिए अगर आपसे कहा जाए कि आपको जिंदा रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी, वो भी 10 दिन के अंदर, वरना आपको दुश्मन समझा जाएगा। हाँ, ये वही हालात हैं जो गाजा में लाखों लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं। जनरल्स प्लान के तहत इसराइल की योजना गाजा के उत्तरी हिस्से में मौजूद हर नागरिक को इतना भूखा और प्यासा कर देना है कि वो या तो हार मान ले या फिर मिट जाए। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद इसराइल में एक अजीबोगरीब योजना पर काम हो रहा है। इसे जनरल्स प्लान कहा जा रहा है। इसके पीछे हैं रिटायर्ड इजरायली जनरल मेजर गियोरा इलैंड और उनके सहयोगी। इस योजना के तहत इसराइल उत्तरी गाजा की 4 लाख से ज्यादा आबादी को ताबड़तोड़ दबाव में लाना चाहता है, लेकिन ये दबाव बमबारी और मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसराइल का जनरल्स प्लान एक ऐसी रणनीति है जिसे हमास से निपटने के लिए तैयार किया गया है और इसे बहुत सख्त तरीके से लागू करने की बात हो रही है। इस प्लान के मुताबिक पहले इसराइल गाजा के उत्तरी इलाके के लोगों को 10 दिन का वक्त देगा। ये वक्त उनके पास होगा कि वे गाजा के दक्षिणी हिस्से में जाकर पनाह लें। इसके बाद उत्तरी गाजा को एक मिलिट्री जोन बना दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, न कोई आवाजाही, न कोई मदद, न कोई पानी, न खाना। जो लोग वहां रुकेंगे उन्हें दुश्मन माना जाएगा, चाहे वो आम नागरिक हों या हमास के लड़ाके। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग वहां रुकेंगे उनका क्या होगा। इसराइल का यह प्लान कहता है कि जो लोग उस इलाके में रुकेंगे उन्हें बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी। खाने पीने की चीजें बंद कर दी जाएंगी, पानी की सप्लाई नहीं होगी, उन्हें एक तरह से भूखा प्यासा छोड़ दिया जाएगा। इसका मकसद ये है कि जो हमास के लड़ाके वहां छिपे होंगे उनके पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो वो सरेंडर करेंगे या फिर भूख और प्यास से मर जाएंगे। इस प्लान का उद्देश्य ये है कि हमास को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाए, क्योंकि उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं बचेंगी और वो युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। इस प्लान को लागू करने से इसराइल को यह फायदा हो सकता है कि हमास के लड़ाके और उनके समर्थक कमजोर हो जाएं और उन पर जीत हासिल करना आसान हो जाए। लेकिन इस प्लान की वजह से आम नागरिकों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वहां फंस गए तो उनकी जान पर भी खतरा हो सकता है। लेकिन क्या गाजा के दक्षिणी हिस्से में सुरक्षित जगहें हैं? तो BBC की रिपोर्ट कहती है कि नहीं, दक्षिणी गाजा भी बमबारी से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए बनाए गए मोबाइल किचन भी इजरायली हमलों में तबाह हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये रणनीति मानवीय है? क्या इजरायल को जनरल्स प्लान के जरिए हमास को हराने का रास्ता मिलेगा, या फिर इससे गाजा के बेकसूर लोग और भी बुरी हालत में पहुंच जाएंगे? ये प्लान लागू होता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन एक बात साफ है, गाजा की जनता के लिए आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले हैं।